हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं चैनल लाइफ और में। आज हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसकी संस्कृत मीनिंग है लैंड ऑफ द डॉनलिट माउंटेंस, व्हिच लिटरली मींस लैंड ऑफ द राइजिंग सन। और इस सीरीज में हम लोग अरुणाचल प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करेंगे, द वेस्ट कमांग डिस्ट्रिक्ट एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लाइफ ऑन के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट अभिजीत और अभी मैं हूँ तवांग। हम लोग कल तवांग पहुँचे, थोड़ी देर हो गई थी। कल हम लोग दिरांग से तवांग के लिए जर्नी किए थे और बीच में हम लोगों ने जोंग फॉल्स, शेला पास एक्सप्लोर किया, तो फिर जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल भी देखे। फिर उसके बाद हम लोग आके रुके तवांग में। तवांग में हम लोगों ने होटल लिया आपका डोलमा रेसिडेंसी, ये आपका सर्किट हाउस के पास है होटल। आपका सिटी मार्केट जो है, सिटी मार्केट से थोड़ा सा दूर है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। शांत जगह एकदम। और ये है हम लोगों का होटल। ओहो, रूम्स लॉक कर दिया, मैं रूम नहीं दिखा पाऊँगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। रूम्स में बोला एक्सप्लोर करके आने के बाद दिखा दूँगा आप सबको। इस होटल के लिए हम लोगों ने दो रूम लिया, हम लोग 5 पर्सन है, तो दो रूम का हम लोगों को पे करना पड़ा 2500। एक 3 बेडरूम है, एक 2 बेडरूम है, तो दोनों का कंबाइन मिलाकर हम लोगों ने पे किया 2500 रुपये पर नाइट। होटल ठीक है, उतना ज़्यादा खास कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा होटल है। बेसिक यहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज है वही नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक दो गाड़ी का पार्किंग स्पेस है, बट सिटी हसल से थोड़ा दूर है, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। हेलो, गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो। रेडी? सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं द ब्यूटीफुल पीटी सो लेक। करीबन 18 किलोमीटर के डिस्टेंस है फ्रॉम तवांग। बहुत ज़्यादा ठंड है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है। एंड लुक एट द प्लेस, द लेक इज़ सो ब्यूटीफुल। और बैकड्रॉप है जो स्नो क्लाइंट माउंटेंस, अमेजिंग। अच्छा, आप अगर आप ये लेक विजिट करना चाहते हैं तो आपको तवांग से गाड़ी हायर करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर खुद का व्हीकल लेके आ रहे हैं तो तवांग के ऊपर जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो अलाउड नहीं है। आपको यहाँ पर लोकल व्हीकल से हायर करना पड़ेगा, प्लस इसके लिए आपको पासेस भी बनाने पड़ते हैं। तो पासेस और लोकल साइट सीइंग के लिए आपको 5500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। हाँ, इस पैकेज में आता है आपका ये पीटी सो लेक, देन संगेस्टर लेक, फिर जो बुमला पास है जो जहाँ से चाइना बॉर्डर दिखता है वो, फिर वो आपको वो गाड़ी आपको ले जाके तवांग ड्रॉप कर देगी। तो 5500 के पैकेज में यही सभी आता है। तो हम लोगों ने यही पैकेज लिया है, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स, आपको एक गाड़ी में 5500 रुपीज़ देना पड़ेगा। बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है। उफ़, और ये हवा चल रही है ना, ऐसा फील हो रहा है कि पिन चुभ रहा है बॉडी में।
ऑन द वे टू माधुरी लेक। यहाँ पर ये गुरुद्वारा है, हम लोग ये गुरुद्वारा में रुके हैं। गुरुद्वारा ऊपर है, ऊपर जाना पड़ता है, वो देख रहे ना ऊपर जो गुरुद्वारा है वहाँ तक जाना पड़ता है गुरुद्वारा विजिट करने के लिए। और यहाँ पर नीचे लंगर का अरेंजमेंट किया जाता है, तो यहाँ पर आपका चाय, गर्म पानी, बिस्किट वगैरह हमेशा मिलता है। और दोपहर को अगर आते हैं तो आपको लंगर में लंच करने की भी मिल जाएगा। ठंड बहुत है, ईजीली आपका 0 डिग्री से नीचे ही है। और आपका बैकग्राउंड में जो स्नो क्लैड माउंटेंस है, अनरियल प्लेस, अमेजिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल। चल भाई चाय पी लेते। तो फ्रेंड्स, संगेस्टर लेक पे आप सबका स्वागत है। पॉपुलरली नोन एज द माधुरी लेक, ये कोयला फिल्म का शूटिंग यहाँ पर हुआ था, जो तन्हाई तन्हाई गाना था, मस्त नाची थी माधुरी दीक्षित उस गाने में, उस गाने का शूटिंग यहाँ पर हुआ था। अच्छा, यहाँ पर उस गाने का पार्ट शूटिंग हुआ था। और कल जो हम लोग नूरानांग फॉल्स गए थे, अपने कल प्रीवियस वीडियो में दिखा होगा, जोंग फॉल के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर भी पार्ट शूटिंग हुआ था इस मूवी के, इस गाने का। लेक की हाइट है 12,464 फीट, 4 फीट की स्नोफॉल होती है यहाँ पर। अभी तो टेम्परेचर करीबन 2-3 डिग्री होगा शायद, उससे भी कम भी हो सकता है। हाँ, बहुत ठंडा है। ब्यूटीफुल लेक, ये ग्राउंड पूरा स्पॉन्जी है एकदम। फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी ये हम लोग है बोमला पास। थोड़ा देर पहले हम लोग जो इंडो चाइना बॉर्डर है बोमला पास पे, वो घूम के आए, तो उधर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो उधर मैं कोई वीडियोग्राफी कर नहीं पाया। ये जो है ये आर्मी का कैंटीन है, इसके अंदर पास इशू किया जाता है, और इसके अंदर खाने पीने की सूप, मोमोज, समोसा, कॉफ़ी वगैरह मिलेगी, और आर्मी कैंटीन के कुछ सामान मिलेंगे जैसे बूट्स, देन आपके बैग्स, जैकेट, सनग्लासेस, ये सब मिलते हैं। आप यहाँ पर आके जो पास बनाइए बॉर्डर पे जाने के लिए, फिर यहाँ पर बैठ के स्नैक्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा, तो आपको टोकन दिया जाता है, टोकन के हिसाब से लोग आपको एंट्री देंगे, तो उस हिसाब से आपको एंट्री लेना है, ठीक है। फिर आपको ये आर्मी वाले बॉर्डर तक ले जाएंगे, फिर बॉर्डर में ले जाके आपको दिखाएंगे इंडो चाइना बॉर्डर, लेकिन उधर कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। बोमला पास इज एट हाइट ऑफ 15,200 फीट, सो यहाँ पर ऑक्सीजन की काफ़ी कमी रहती है।
तो यहाँ पर एक्टिविटी, थोड़ी सी एक्टिविटी करने से सांस फूल जाती है। जैसे मैं ज़्यादा बात बोल रहा हूँ तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, चलने फिरने करने से तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो वैसे उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड लुक एट द प्लेस, दिस प्लेस इज़ रियली ऑसम। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। वन थिंग यू मस्ट नो वेलकमिंग हियर, यहाँ पर आने से सनग्लासेस ज़रूर लाइएगा। अगर आप इनकेस इफ यू फॉरगेट, आप कैंटीन में सनग्लासेस मिल सकते हैं, खरीद सकते हैं आप। 250 रुपीज़ पर सनग्लास आपको चार्ज पड़ेगी। सनग्लास इसलिए चाहिए क्योंकि जो बर्फ़ में ग्लेयर बहुत ज़्यादा रहता है, तो आँख में तकलीफ होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। सो अभी बर्फ़ इतनी ही है। अगर आप लेट दिसंबर आएंगे, दिसंबर में आएंगे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलेंगे, बट चांसेस आर देयर एट द टाइम के आप पासेस बंद हो जाए अगर बर्फबारी ज़्यादा हुई तो। सो यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो खिंचवाऊँगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ चलेंगे। तो अभी हम लोग आए हैं सूबेदार जोगिंदर सिंह परमवीर चक्र, जिनको मिला था उनके सम्मान पे ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है। बहुत ठंडा है। 1962 में चाइनीज आर्मी ने जब बुमला पोस्ट में अटैक किया था, तब सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके जो साथी थे, उन्होंने चाइनीज़ आर्मी को बुमला पास में रोका था। टोटल चार बार चाइनीज़ आर्मी ने बुमला पास में हमला किया था, तो चारों बार उनको रोका गया था, लेकिन पांचवी बार उनके एम्युनिशन ख़त्म हो जाने की वजह से सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके सत्रह जवान साथी वहीं पे शहीद हो गए थे। तो बोलने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ा कम है। सो उन्हीं को श्रद्धांजलि देके ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है। Until my heart gives in, I will do it.
deep and abiding. Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. हाँ, मोनेस्ट्री घूमने के बाद काफ़ी लेट हो गया, तो अभी तो पूरा अंधेरा हो चुका है और हम लोग आए हैं यहाँ पर जो वॉर मेमोरियल है उसको घूमने। टाउन वॉर मेमोरियल में लाइट एंड साउंड शो भी होता है, बट अगर उसका टिकट लेना है आपको तो 4:30 बजे से पहले आइए। हम लोग ऑलरेडी बहुत ही लेट हैं, हम लोग गए थे जहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है, लेकिन हम लोग को टिकट मिला है 7 बजे का। 7 बजे का टिकट मतलब 7 से 7:30 बजे का शो, मुझे होटल पहुँचते पहुँचते हम लोग को बच जाएगा 8:30। तो देखते हैं, तो इसीलिए हम लोग पहले वॉर मेमोरियल घूम रहे हैं, उसके बाद सोचेंगे कि लाइट एंड साउंड शो देखना है या नहीं। 1962 इंडो चाइना वॉर में 2420 ऑफिसर्स, जेसीओस एंड सोल्जर्स जिन लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दी थी हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उनके लिए ये वॉर मेमोरियल बना गया है। और इन 2420 सैनिकों के नाम, सबके नाम इन वॉल्स में एनग्रेव करके लिख दिया गया है। इनका नाम, इनका रैंक और इनके जो कमांड है सब यहाँ पर एनग्रेव किया गया है। और यहाँ पर सुभेदार जोगेंद्र सिंह, जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत, उनकी मेमोरियल में ये बना जा रहा है। सो बेसिकली इस जगह पर जिन जवानों को वीर चक्र, महावीर चक्र या परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था उनके मेमोरी में ये बनाया गया है। ये जगह अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी तरह से काम होना बाकी है।